जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मी कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये देखिए आज मैं उत्तराखंड की बहुत ही स्पेशल जो है रेसिपी लेकर आई हूं, जो जो है कुलथ यानी गहत से बनती है। और इसको मैंने जो है रात को मैंने गहत भिगो दिए थे और अब ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब इसका मैं बनाऊंगी फाणू। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत हेल्दी होता है, पथरी के पेशेंट के लिए, गले की जिनको समस्या होती है, घर पेट से संबंधित कोई भी दिक्कतें जिनको आती हैं, उसके लिए गहत का फाणू और गहत की चीजें जो है बहुत लाभदायक होती हैं। तो साथियों, आज मैं जो है फाणू बना रही हूँ और हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल में जो है इसे बहुत पसंद किया जाता है। हर छुट्टी के दिन तो लगभग ये बनता ही बनता है। तो साथियों, सबसे पहले हमने गहत जो भिगोए थे उनको निकाल लिया है और उनको मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे पीस लेते हैं। सिलबट्टे में पीस के बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। आप चाहें तो वैसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन सिल का जो स्वाद है एकदम निराला होता है। और साथियों, देखिए फाणों के लिए मैं गहत एकदम अच्छे से पीस चुकी हूँ। बहुत बारीक भी हमें एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार करना है। और अब जो है इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे और फिर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो साथियों, आ गए हैं हम गैस की तरफ। साथियों, एक चीज मुझे और बतानी है कि हमें एक छोटा सा ये अरबी का पीस ले लिया है, इसको हम छील लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये बाद में कैसे यूज करना है मैं बताऊंगी। तो साथियों चलिए, और बहुत ज्यादा हमें इसमें तेल नहीं डालना है। एक चम्मच सरसों का तेल। साथियों, पहाड़ी खाना जो भी बनता है वो उसमें अधिकतर सरसों का तेल यूज होता है और लोहे की कढ़ाई यूज होती है। तो हम लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। तेल जैसे ही गर्म होता है उसके बाद हम इसमें तड़का डालेंगे। तो तेल में साथियों धुआं भी आ गया है। अब हम तड़का डाल लेते हैं। इसमें आधी से कम चम्मच जो है जख्या है और आधी चम्मच जीरा है। दो से तीन पिंच हींग है। तड़का हो गया है। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने बनाया था गहत का, ये पिसा हुआ गहत हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे भून लेंगे। गहत जो है भून चुका है और ये इस तरह से भुरभुरा सा हो गया है। अब हमें इसमें पानी डालना है। पानी हम धीरे धीरे डालेंगे वरना जो है इसमें लंग्स पड़ जाएंगे। तो धीरे धीरे डालते जाएंगे पानी और इसको घोटते जाएंगे। फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए इसमें अब लंग्स नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए अब हम पानी इसमें इतना डालेंगे, ये इसे अभी पकने में भी थोड़ा पानी लगेगा। ये देखिए उबलने लग गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो अरबी हमने ली थी उसको कद्दूकस से, बारीक वाले हिस्से से हमने कद्दूकस कर लिया है, इसमें डाल देंगे। और भी हमने डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे आधी से भी कम चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से। लेकिन साथियों हमें ध्यान देना है कि फाणू में बहुत तेज नमक अच्छा नहीं लगता है, कम ही रखेंगे हम नमक। मिर्च मैं बहुत कम डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिए।
और हल्का सा हमें डालना है इसमें धनिया पाउडर। ये देखिए फाड़ों में बहुत ज्यादा मसाले नहीं लगते हैं और इसी तरह से ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है साथियों, बहुत पौष्टिक ये रेसिपी है। हमारे यहाँ पे इसे गहत बोलते हैं, तो ये गहत का फाड़ू है, बहुत प्रसिद्ध रेसिपी है साथियों ये गढ़वाल की। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है। इसमें ना तो हम गरम मसाले डालेंगे और ना ही हम कुछ और डालेंगे, बस इतने ही मसाले से इसमें काम चलेगा। इसमें हमने जो हींग डाल रखी है उसका जो फ्लेवर है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और हींग तो पाचक भी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम इसे पकने देंगे, फ्लेम को हम जो है सिम पे कर देंगे और ये आराम से पकता रहेगा कम से कम 10 से 15 मिनट। और ये देखिए साथियों फाड़ू बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए कितना कम हो गया है ये, और इसमें बहुत अच्छा सा कढ़ाई का कलर भी आ गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसे सर्व कीजिए चावल के साथ या पहाड़ी लाल चावल के साथ या झंगोरे के साथ, झंगोरा जिसे सवा भी बोलते हैं उसके जो चावल बनते हैं उसको, तो सवा के साथ ये जो है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो साथियों आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, और खुश रहिए स्वस्थ रहिए। नई रेसिपी के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।